हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है और जेके आर टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि BLDC जो मोटर जो है, हमने इस अल्टरनेटर को देखिए, ये अल्टरनेटर है, इसे जो है हमने बनाया है। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाया और इसमें क्या मॉडिफाई किए हैं वो सब जो है दोस्तों हम उस वीडियो में नहीं बता पाए थे। तो इसके लिए जो हम ये डेडिकेट वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे, जिसमें जो है यहाँ पे 5 वायर जो है आपको निकला हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ की हम जानकारी देंगे और इसमें जो मॉडिफाई हमने किया है वो सब जो है हम आपको इसमें पूरा जानकारी के साथ बताएंगे। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है अल्टरनेटर जो है, ये आपको कार जो होता है उसके अंदर में जो ये बैटरी चार्ज करने का ये काम में आता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का, ये 14 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है, ऐसा होता है अल्टरनेटर। तो आप जो है कोई भी परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसे खोलने का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जो है बोल्ट जो है लगा हुआ है, ठीक है। 10 नंबर का है या 8 नंबर का है, इस प्रकार से जो है लगा हुआ है। और उसके बाद जो है पीछे साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 जो है यहाँ पर भी नट लगा हुआ है, इसको भी खोलना पड़ता है, ठीक है। जब इसे खोलेंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो पहले हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में जो हमने क्या मॉडिफाई किया है। तो पहले जो है हम कर लेते हैं क्या कि इसे जो है हम यहाँ का ऊपर का जो है उस साइड का हम खोल लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो अब जो है दोस्तों, इसे जो है हम इस तरह से जो है ठोक करके हम निकालते हैं और इसके बाद जो है हम इसे भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है जो रोटर है, ये दोस्तों मैग्नेट के भी काम करता है। इस पे भी हम आपको है ना अच्छी तरह से और जानकारी देंगे। पहले तो जो है थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें इसके बारे में, ठीक है। तो हम ये वायर को हम निकाल लेते हैं पहले बाहर, ताकि जो है जानकारी और भी अच्छी तरह से आपको मिल जाए। अब देखिए इधर आइए, इधर वैसे ना हम डिस्प्ले पर शो करा देंगे, ठीक है, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ डायोड लगा हुआ है जिसके कारण जो है बैटरी चार्ज, यहाँ पे जो है डायोड है, ठीक है, ये मस जो है डायोड है और यहाँ पे कुछ लगे हैं जिससे है ना एम्पियर जो है वो लगभग 80 एम्पियर के लगभग होता है या उससे भी ज़्यादा होता है। और ये ब्रशलेस है, देख लीजिए, ये ब्रश है जिससे है ना सो मैगनेट जो है DC बनाता है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने 2 वायर जोड़ दिया है और देखिए यहाँ पे हमने क्या मॉडिफाई किया है। यहाँ पे आप जब देखेंगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमने कुछ वायर जो है अलग किया है, एक दूसरे से अलग कर दिया है यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों, वो हमने क्यों किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब हमने यहाँ पे जब है ना से बैटरी का सप्लाई डाल रहे थे, यहाँ पे बैटरी का सप्लाई डाल रहे हैं, तो हुआ क्या कि है ना से ये जो है ना से समझ लीजिए कि कंटिन्यूटी दिखा रहा था, ऊपर से जो है ना से समझ लीजिए कि जो मैग्नेट जो है, ये वाला रोटर जो है, ये रोटर है, ये मैग्नेट नहीं बना रहा था, ठीक है। ये रोटर जो है मैग्नेट नहीं बना रहा था, ठीक है। ब्रशलेस जो है इसी पे जो है घूमता है और इसे जो है रोटर को मैग्नेट बनाता है, ठीक है। हम इस पर भी बात करेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो जब हमने इसे कंटिन्यूटी चेक किया, तो कंटिन्यूटी दोस्तों हमने चेक किया, एक प्रोप केवल यहाँ पे लगाया और एक जो है हम यहाँ पे चेक कर लिए, तो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा था, तो मैंने उसको जो है यहाँ पर से पॉइंट जो आप देखते हैं, तो यहाँ से जो है ना से हमने इसे जो है हटा दिया। इससे हटाने से क्या हो गया कि इसका अंदर का जो सप्लाई है डायोड जो है, और इधर भी कुछ डायोड लगे हैं, तो उसका जो है सप्लाई कट गया। तो एक ये हटा दिए, एक ये हटा दिए। इसके बाद है ना से जब हमने इसमें जब मल्टीमीटर डाले तो मेरा वैल्यू नहीं दिखा रहा था, नहीं कंटिन्यूटी हो रहा था, तो इसका मतलब ये कनेक्शन जो है सही हो गया। इसी तरह से जो है आपको भी कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ का कुछ कनेक्शन जो है आपको हटाना है, देख लीजिए, एक ये हटाना है, एक ये हटाना है, बस इतना ही करना है। और जो वायर जो लगे रहते हैं इधर देखें, इधर देखेंगे इस पे क्वाइल पे, जब क्वाइल पर देखेंगे, क्वाइल पर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है ना से 3 वायर लिया है, ये देखें, ये देखें, ये हमने 3 वायर क्वाइल से लिया है, ये देख लीजिए, ये क्वाइल से जो है हमने 3 वायर लिया है, क्वाइल से जो है हमने 3 वायर लिया है। और यहाँ पे जो है हमने देख लीजिए एक 3 है, किसी किसी में 4 होता है, तो उसमें भी एक जो होता है लूप होता है, तो उसको जो है आप स्किप कर सकते हैं या आप है ना उसको प्लस में या माइनस में काम में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जो है
वायर जो है हमने निकाल दिया इस कॉइल से, ये देखिए ये कॉइल है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये जो है मैग्नेट बनाने के लिए काम में आता है, जो हमने वायर दो निकाला है मैग्नेट में। अब इसमें दोस्तों प्लस माइनस नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे कि प्लस माइनस भी होता है इसमें, लेकिन इसमें जो है प्लस माइनस नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब जो है इसे जो है हम फिर से फिक्स करते हैं, उससे पहले जो है दोस्तों रोटर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। ये देखिए ये दोस्तों ये रोटर है। अब दोस्तों रोटर में बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बीच में जो होता है अंदर में जो है कुछ कॉइल होते हैं, उसके मदद से जो है ना बहुत से कॉइल इसमें लपटा हुआ होता है, तो उससे जो है होता है क्या कि SN जो है ना से इसमें जो है मैग्नेट बनता है, ठीक है। इस पे जो है SN का मैग्नेट बनता है, इसके कारण जो है ना इसके अंदर में जो है घर्षण पैदा होता है, और जो है ना से इसके कारण जो है ये घूमने लगता है, ठीक है। और ये घुमाने का काम ये बस जो मैग्नेट बनाने का काम जो है यहाँ पे जो लगे हैं बस यही करते हैं, इसी पे ब्रशलेस जो है घुमाते रहते हैं, और उसके बाद जो है ये इसका जो है सप्लाई मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं इसे फिर से जो है हम इसे इसके अंदर में जो है फिट करते हैं और आपको फिर हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इसे दोस्तों यहाँ पे जो भी वायर आपको यूज करना है वो 0.75 या 1 mm या 1.5 mm का होना चाहिए। तो सबको दोस्तों थोड़ा थोड़ा जो है टाइट कर लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, और इसे जो है चेक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो अल्टरनेटर जो है ये जो है BLDC जो है मोटर में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसे जो है हम चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर जो है हमने तीन वायर जो है हमने निकाल दिया, ये जो है ESC जो होता है 30 एम्पियर का जो ESC होता है उसी में ये कनेक्ट होगा, और ये जो है दो वायर जो है ये बैटरी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं लिथियम बैटरी, ये जो है मैग्नेट बनाने के काम में आता है, तो इसमें जो है हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं हम देखिए इसमें से जो है हम पहले देखिए दोस्तों ये है छोटा सा BLDC मोटर है, ये देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम यूज करने वाले हैं ये बड़ा वाला, और दोस्तों इसका जो RPM रहेगा 5000 से लेकर के 10000 के बीच में होता है RPM इसका होता है। वैसे तो दोस्तों मेरे पास मीटर नहीं है ताकि जो है हम इसे चेक कर सके। देखिए ये जो है हमने पॉलीमर बैटरी ले लिया है, और ये जो है हमने ESC ले लिया है, ये देखिए ESC है, ये बैटरी है, और एक जो है सर्वो टेस्टर हम ले लेंगे, ये देखिए ये सर्वो टेस्टर है, ठीक है। बस इतना ही चाहिए, इसे साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है देखिए कनेक्ट कैसे करना है सर्वो मोटर के, यहाँ पे आप देखेंगे सर्वो मोटर में जो है आपको इस प्रकार से जो है कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया है। अब जो ESC को जो है देखिए यहाँ पे 3 वायर आपको दिख रहा है, 3 वायर यहाँ पे देखेंगे तो 3 वायर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है बीच वाला जो है मिडिल वाला देख लीजिए, ये हमने बीच वाला में निकाला है लाल वाला, बीच वाला जो है लाल वाला, तो इसे जो है हमें इसका जो ESC का जो होता है बीच में इसमें कनेक्शन करना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप भी है ना इस प्रकार से बना सकते हैं। अब दोस्तों ये दो साइड बच गए हैं, और इसमें भी दो साइड है, देखिए एक कलर है। तो दोस्तों इसमें यह नहीं देखना है कि कौन सा साइड किधर जाएगा, बस कोई भी किधर भी किधर लगा दीजिए सब काम कर जाएगा। तो देखिए इसको इसमें हम लगा दिए, और इसको हम इसमें लगा दिए, और जो है ये देखिए ये बैटरी जो है ये मैग्नेट बनाने के लिए काम में आएगा, तो इसे जो है हम इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, ये देखिए। और ये बैटरी को जो है सिर्फ इसी से हम कनेक्ट करेंगे ताकि जो है
ताकि जो है बैटरी जो है मैग्नेट बनाए और जो है मेरा मोटर जो है अच्छी तरह से रन करे। देखिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है देख लीजिए ये ESC को जो है हम आपस में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो है जरना चालू हो गया। अब यहाँ पे बैटरी देखिए यहाँ पे मोटर को देखिए हम यहाँ पे RPM बढ़ा रहे हैं। ये देखिए इसका साउंड सुन सकते हैं ठीक है। और इसका RPM जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा है देखिए। देखिए कितना ज़्यादा इसका RPM है इसका देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा RPM है। बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसका RPM है। और ये जो है हमने इसलिए बनाया है और ये 30 एम्पियर का जो है ESC पे जो है ये काम करता है दोस्तों। ये जो है हमने इसलिए बनाया है दोस्तों आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें जो है आप है ना 80 एम्पियर का अगर आप डालते हैं ESC तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा ठीक है। 12 वोल्ट में आपको लगाना है, इसमें ज़्यादा वोल्ट का नहीं लगाना है ठीक है। 24 वोल्ट का भी नहीं लगाना है आपको, 12 वोल्ट का ही लगाना है क्योंकि ये 12 वोल्ट का अल्टरनेटर है। तो आप यहाँ पे जो है 24 वोल्ट का अल्टरनेटर लेते हैं तो वहाँ पे जो है आप 24 वोल्ट का जो है ESC इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक रहेगा। ये देख सकते हैं और इसका दोस्तों RPM हमने पहले भी बता दिया है कि कितना ज़्यादा RPM है। और इसके अंदर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्पीड। इसे दोस्तों आपने बहुत से यूज करेंगे और इसे जो है हम बैटरी वाला जो है समझ लीजिए कि इंजन बनाने वाले हैं। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें ने हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में। बैटरी वाला जो है समझ लीजिए कि इंजन बनाने वाले हैं। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें ने हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने बैटरी बैटरी का दोस्तों बैटरी जो है बहुत इसका ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि लाइफ देता है और ज़्यादा देर तक। ये छोटा वाला देखिए, ये इतना छोटा बैटरी पर ये इतना चला है, 3 सेल का बैटरी है ये। और सर्वो मोटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ESC जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। और मैग्नेट बनाने के लिए जो है बैटरी का जो हमने इस्तेमाल किया ये पॉलीमर, ये भी है लिथियम बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब लिथियम बैटरी में जो 3 वोल्ट 4 वोल्ट आप जो भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, 12 वोल्ट का तक के यूज कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। और ESC का कनेक्शन जो है हमने आपको अच्छी तरह से समझा ही दिया है। और ये जो है सर्वो, आप जो है इसे जो है दोस्तों आप है ना मार्केट से खरीद करके आप इस प्रकार से बना लीजिए। इसका पावर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका पावर है ठीक है। देखेंगे तो यहाँ से हम देखिए, और इसका जो अभी मैग्नेट है इसके कारण देखिए ये जल्दी घूम नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा है। पहले तो हम स्लो में ही देखिए कितना झटका दे रहा है। देखिए इसका साउंड अब देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा है। दोस्तों मीटर आता है तो हम चेक करके दिखा देते हैं दोस्तों, ये 5000+ इसका RPM है। और दोस्तों CD100 होता है या और भी 100 CC का जो इंजन होता है उसका स्पीड 3000 के लगभग स्पीड होता है। और दोस्तों इसका 5000 का स्पीड है। अगर हम इसे यूज करेंगे अगर है ना इसे इंजन में तो ये काफ़ी देर तक चलेगा और उसके बाद जो है काफ़ी जो है स्पीड भी चलेगा। तो इस पर जो बहुत जल्द हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें जो हम इसे जो है इंजन से कनेक्ट करेंगे, तो इसका दोस्तों बहुत जल्द वीडियो आएगा। तब तक के लिए दोस्तों जो है आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को अगर देखते हैं दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में जरूर से जरूर इसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च चल करके, तब तक के लिए बाय बाय।